बंद करने बोल रहा है। अबे इधर लाइट लगा पहले, कोई सुन ही नहीं रहा। मनोज हाँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर प्लीज, मिस्टर विक्रमभट एंड मिस्टर भूपेश शर्मा। सो मिस्टर भूपेश शर्मा इज एन एविड एस्ट्रोलॉजर, इट्स हिज पैशन, एस्ट्रोलॉजी इज हिज पैशन। सीक्रेटली मिस्टर विक्रमभट हैज आल्सो बीन एन एडमायर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड हेंस दिस एवोल्यूशन। नाउ लेट मी टेक लिटिल बिट, आपको थोड़ा सा एस्ट्रोबॉडी के बारे में बताया जाता है कि एस्ट्रोबॉडी है क्या। सो एस्ट्रोबॉडी हैज टेकन स्टेप्स दैट probably have never been taken before in the world of astrology. Today we will showcase you probably the world's first app jisme ki aap ek live chat kar sakte ho ek astrologer ke sath. And when I say live chat means jaise aaj hum sab log whatsapp use karte hain, hum sab log alag alag messengers use karte hain, similarly aaj aap through astrobuddy aap ek directly ek astrologer ke sath chat kar sakte hain. Right, and I'll quickly take you through ki ye, why did we get to this and what all do we do, right? So what is the mission for astrobuddy? So in plain and simple words, astrology is actually a science jiske hum believe karte hain ki we can actually through astrology help each and everyone in this world, right, including each and everyone of us in this room. It is scientific. It works on three things, which is your time of birth, your location of birth, and your kundli, which it's made through these two things, right? And with that in mind, these two things, जो आपका time of birth है, location of birth है, ये आप सब के लिए unique होता है. तो इसलिए जो भी chart बनता है, that is unique for each and everybody of us. Now with this, right, in a year. That's the value of this market that's annually there already. So imagine the potential that this actually has. In simplified terms, aap 68,000 crore rupees ki baat kar rahe hain in a year, which is the unorganized market for us, right? This is the market we cater into, right? So how are we different? We are different in a way. One, we are scientific. We link this to science completely. There is no mystique of कि क्या आपकी कुंडली में राहु आ गया है, उससे ऐसा होगा, उससे वैसा होगा. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट फॉर अस. हम इसको सिंप्लीफाई और साइंटिफिकली लिंक करते हैं आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से, जो आप फेस करते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जिस पे आप एक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड मूविंग फॉरवर्ड, आई विल ट्राई एंड शो यू द व्हिच आई स्ट्रेस बिफोर. थैंक यू. अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे मैंने तो खैर वीडियो पे देखा, कि ऋषि कपूर साहब ने किसी मीडिया वाले को डांट दिया. देखा आपने वो? हाँ, वो किसी को बोला कि तुम लोग इतना बात क्यों करते हो पीछे. हाँ, मेरे को भी अभी ऐसा ही लग रहा है कि मैं ऋषि जी बन जाऊं और इन लोगों को डांट दूं. भाई कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, एक चांस तो दो हमको यार, प्लीज. थैंक यू. एक्चुअली वो क्या फील कर रहे थे मैं आज फील कर रहा हूं. जब भी मेरा कोई असिस्टेंट ऐसा पीपीटी लेके आता है, मैं डर जाता हूं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. तो मैं ये पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया. इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या है, हम लोग फिल्मी लोग हैं, हम लोग सिर्फ फिल्मी भाषा समझते हैं. तो मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूं कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है. जो भूपेश जी ने किया है ना, दैट इज फैबुलस. उन्होंने क्या किया है कि ये सोचिए कि आपके पास, सबके पास फोन है, सबके पास व्हाट्सएप है. सोचिए कि आपके पास एक डॉक्टर का नंबर है यहां पे, और आप उस डॉक्टर को कभी भी, किसी भी वक्त, दिन को या रात को, आप उस डॉक्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं कि यार मुझे यहां दर्द है, या ये मुझे ये हो रहा है, या मेरी मम्मी को हो रहा है, डैडी को हो रहा है, मेरे इसको ये हो रहा है, तो मैं क्या करूं. अगर आपके पास ऐसा कोई ऐप होता कि आप डॉक्टर को कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो
क्या आपको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती कि यार ये ऐप मस्त है यार, मैं कहीं भी जाऊं दुनिया में डॉक्टर से बात हो सकती है? तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सा ही है। हम लोग डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हैं जब तकलीफ में हो, वरना बेचारे एस्ट्रोलॉजर को देखते भी नहीं हम। तो हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि क्या होगा यार, शादी होगी नहीं होगी, होगी तो टूटेगी कि नहीं यार, और पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, उसकी चलेगी क्या। ज़्यादातर तो हमको उसका टेंशन है, उसकी चलेगी क्या, फ्लॉप कर दो यार कोई पूजा वूजा करके। तो बेसिकली एस्ट्रो बडी एक ऐप है, इट्स अ चैट ऐप जहाँ आप अपने डिटेल दे दो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, और वो आपका चार्ट बनाते हैं और आप लाइव उनके साथ चैट कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त, और उनको बोल सकते हैं कि भाई देखो ये मेरी तकलीफ है, तो इसका कुछ सोल्यूशन है कि नहीं। अब इसकी ब्यूटी ये है कि भूपेश जी ने एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, क्योंकि इन्होंने सारी वो चीजों को लेके खत्म कर दी जिसपे ये लोग ने बहुत सालों से पैसे बनाए। मैं अंगूठियां पहनता था, वो शनि की पूजा बहुत की मैंने, तेल भी चढ़ाया और उड़द भी चढ़ाए और पता नहीं क्या क्या चढ़ाया। किसी ने तो बोला कि आप ना 3 कैरेट का रूबी पहनो, तो मैंने बोला यार अगर 3 कैरेट के रूबी के पैसे होते तो तेरे पास क्यों आता, तो मेरे पास नहीं है यार 3 कैरेट के रूबी के पैसे, तो तू बता क्या करूं। नहीं सर आप रूबी पहनो। मैंने बोला छोड़ दे इसको यार। तो जब मैं भूपेश जी से पहले मिला तो भूपेश जी ने कहा यार ये सब बकवास है, सब उठा के फेंक दे, ये अंगूठियां फेंक दे, ये चेन वेन फेंक दे, जो भी बोलता है ना कि ये पूजा करने से ये होगा, वो पूजा करने से वो होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी से वो आपको गाइड करते हैं कि देखो आपका ये वक्त आने वाला है। जैसे हम कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं और कोई आपको बता दे कि यार आगे समझ लो कि आगे थोड़ी खाई है, थोड़ा राइट ले लो, हमको वही चाहिए कि यार आगे खाई है थोड़ा बच लो। रिंग पहनने से खाई नहीं जाएगी, वो तो खाई में जाएंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि रिंग सडनली रेड नहीं हो जाएगी कि संभाल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने सारी ये मिथ्स लेके खत्म कर दी। इसलिए जब आप ऐप पे जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती, आपको ये एडवाइस नहीं मिलती कि आप ऐप के अकाउंट में जाके ना 4,000 रुपए जमा कर दो हम पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है कि आप इस फेज में हैं, आपके साथ ये हो रहा है। ये कभी कभी कहते हैं मुझे बिकॉज इज माई फ्रेंड, विक्रम तू डिप्रेस्ड है, तू डिप्रेस्ड रहेगा, तू 2 महीने तक डिप्रेस रहेगा, तेरे को जो करना है कर ले, क्योंकि आपका ये फेज चल रहा है। बट बिकॉज ही टोल्ड मी दैट एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स देयर इज लाइट, मुझे लगता है कि यार ये टेम्पररी। हमको सिर्फ ये उम्मीद चाहिए कि जिस भी दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर टेम्पररी, ये नहीं है कि ये चलता रहेगा। तो यहां आने से पहले ना मैंने भूपेश जी को एक रिक्वेस्ट की, मैंने उनको कहा कि आप कितने कमाल हैं ये कोई जानता नहीं है, मैं जानता हूं लेकिन आप में से कोई नहीं जानता, तो मैं ये चाहता हूं कि ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करें आज। अगर आप में से कोई भी इतनी हिम्मत रखता है कि अपना नाम, अपना डेट, नाम भी नहीं चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस अभी दे दें इनको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों सर, बाद में दम है कि नहीं है? तो मैं यही कह रहा हूं, अभी देखो अभी कोई नहीं आएगा, आप रेडी हैं? आओ जी बताओ, मगर टाइम ठीक होना चाहिए, फिर बोलो कि ये गलत है। हाँ 30 अप्रैल 1957 3:30 AM ओल्ड दिल्ली। चलो फिर आप भी एस्ट्रोबडी ज्वाइन करो। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 30th अप्रैल 1957
टाइम 3:30 AM हाँ मतलब सुबह जल्दी और ओल्ड दिल्ली सर माइक ऊपर ये ऑन एंड ऑफ रहता है बीच बीच में बहुत स्पाइक आते हैं उठा भी नहीं जाता कुछ भी आप एक्सरसाइज शुरू कर दो ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं करना ये मैं कह रहा हूँ ये नहीं कहा कि पूजा करो जाके शनि की अगर इस टेंडेंसी को आप हटा दोगे सब कुछ ठीक कम पे फोकस खाली दो चीज का ध्यान रखिए अपने पेन का अपने कंसंट्रेशन का अपने स्टमक का आपको स्टमक प्रॉब्लम भी बहुत रहती है एसिडिटी वगैरह की वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है सर्जरी भी पॉसिबिलिटी है तो ईटिंग हैबिट्स थोड़ा सा संभाल के रखें नथिंग वो आके देखो सब समझते हैं कि इससे सब प्रेडिक्शंस होती है कि बस किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देगा एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंडिकेटिव है प्रेडिक्टिव नहीं है और हमारी लाइफ पे प्लैनेट्स कोई इंपैक्ट नहीं डालते मैं एस्ट्रोलॉजर हूं लेकिन ये कह रहा हूं कि प्लैनेट्स का हम पर कोई असर नहीं होता प्लैनेट्स खाली एक नक्शा देते हैं हमें जब जब पैदा होते हैं जिससे हम एसेस कर लेते हैं कि मोर और लेस लाइफ ऐसी रहेगी अब आपके पास एक कहीं का नक्शा आ जाए और उसके पास जाने के आपके पास 10 रास्ते हैं उसमें पहाड़ भी आएंगे नदियां भी आएंगी जंगल भी आएंगे तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उस पर चलना चाहते हैं आप गाड़ी से जाएंगे बैलगाड़ी से जाएंगे ट्राम से जाएंगे वो आपकी चॉइस है किस स्पीड से जाएंगे वो भी आपकी चॉइस है प्लस अगर कुछ भी प्री डिटरमाइंड होता मैं मानता हूँ कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता अगर होता तो नेचर हमें ब्रेन नहीं देता इंडिपेंडेंट सोचने के लिए अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता तो हम लोग रोबोट्स होते सब कुछ प्री डिटरमाइंड अपने आप सब चीजें की और हो गया तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो हुआ उसने किया उसकी मर्जी नहीं उसने अपनी मर्जी से आपको क्रिएट कर दिया और अकल दे दी उसका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो एस्ट्रोलॉजी ये समझाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई कन्वे नहीं करता एस्ट्रोलॉजी जब हम डीपली पढ़ते हैं समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि इससे खाली हमें इंडिकेशन मिलते हैं इवेंचुअली हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है कुछ भी लिखा हुआ कुछ नहीं होता आपके हिसाब से मैं ये कमेंट नहीं करूंगा वो पामिस्ट्री वाले आपको बताएंगे उनकी क्या स्ट्रेंथ है मैं ऐसे कैसे बोल दूं मैं पर्सनली नहीं मानता लेकिन मेरे अपने रीजन से लेकिन वो मैं आपके साथ पे क्यों विश्वास करें जो आप मेरे से बात कर रहे हैं आपको क्या लगा थोड़ा देर तो बस वही आपको ऐप में मिलेगा यही मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने आपको कहा कि आपको फील होता है आप ध्यान रखो आप बहुत चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं आप कम चीजों पे कंसंट्रेट इससे आपको क्या फायदा हुआ आप इनकी बात माने ना माने आपकी वो आपकी चॉइस है लेकिन अगर आप इनकी बात मानते हैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं तो उन्होंने आपको प्रैक्टिकल एडवाइस उन्होंने आपको वो नहीं कहा जो आपके बस में नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वो मंदिर में चले जाइए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पत्थर पहन लीजिए या कुत्ते को खिला दीजिए उन्होंने ये सब नहीं कहा तो ये एस्ट्रोबडी की स्ट्रेंथ है ये मैं दिखाना चाह रहा था लाइव मैंने उनको कहा कि एस्ट्रोबडी क्या है जब खुद एस्ट्रोबडी भूपेश यहां बैठे हैं
तो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि वो क्या है, कि वो किस किस्म की एडवाइस देते हैं। मेरे हिसाब से मैंने भी उनको पूछा है कि ये मेरी चलेगी नहीं चलेगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं चलेगी। बोला अच्छा तो क्या करूं, बोला बहुत अच्छा है तेरे लिए। मैं बोला यार नहीं चलेगी, बोलता अच्छा है, बोलते अगर चलेगी तो तू ऐसे ही बनाता रहेगा। लव गेम्स नहीं चली, मैंने बोला लव गेम्स नहीं चली, बोला अच्छा है नहीं चली, चलने भी वाली नहीं थी। मैं बोला ले ये दोस्त के क्या है, बोला तू और लव गेम्स टू बना देता, वो तेरी स्ट्रेंथ नहीं है तू मत बना। मैंने इनसे 5 बार पूछा, मैं वीबी ऑन द वेब चालू कर रहा हूं, हाँ अगर गड्ढे में गिरने वालों को बता दो, नहीं कर लो, पैसे नहीं होते, मेरे पास पैसे नहीं है यार, तुमने ऐप शुरू करवा दिया, कोई बात नहीं कर लो। सो यू हैव समबडी हु गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड वी ऑल नीड समबडी हु गिव्स अस स्ट्रेंथ। डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, फॉलो करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये अब मैं सिंपल, मैं टीवी डिबेट में गया था तो वहां कुछ थे शास्त्री जी वगैरह, तो बोलने लगे जी फलाने हवन से ये हो जाएगा या फलाने उससे ये हो जाएगा। मैंने कहा जी आप ग्रहों को हिलाने की बात करते हो, आप अपने हवन से इस ग्लास को 1 इंच हिला दो, जब आप उसको 1 इंच नहीं हिला सकते आप ग्रहों को कैसे हिलाओ। तो ऐसे मिसगाइड मत करो लोगों को, आप सही एस्ट्रोलॉजी आपको आती है आप सही तरह से समझाओ। तो अब और लोग क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा तरीका ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो 99% घरों में एस्ट्रोलॉजी का कोई ना कोई रोल जरूर होता है, चाहे कोई बच्चा पैदा हुआ हो, शादी करनी हो, किसी की डेथ हो गई हो, कोई बीमार हो, कोई ना कोई जरूर पूछते हैं, पर उस फियर को बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे तो बल्कि ऐसा लगा कि कितनी बार हम लोग खुद अकेले में रात रात भर जागते हैं क्योंकि हमको हमारे फ्यूचर की पड़ी होती है कि साला कल क्या होगा यार, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। हम वो चीज़ ना हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर शादीशुदा है, ना बीवी या हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे में सोचिए अगर आप रात को आपके पास कोई ऐप हो जहाँ पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या चैट करके पूछ सकते हैं कि यार क्या होगा हर्षद, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इमोशनल सपोर्ट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग अबाउट योर फ्यूचर। और ये जो करते हैं ना, मैंने मुझे एक बड़ा कमाल का किस्सा याद आ गया। मैं असिस्टेंट था, राइटर का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन स्टोरी सेटिंग कर रहा था एक बड़े फेमस राइटर के साथ, ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर थे, क्लाइमैक्स डिस्कस कर रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें क्लाइमैक्स। तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा चलो एक काम करते हैं कल मिलते हैं वापस। तो जैसे ही हम लोग बाहर आए राइटर ने मुझे क्लाइमैक्स सुना दिया। मैं बोला कमाल है यार, तुमको तो पूरा क्लाइमैक्स पता है, तो अंदर बोल देते यार कल वापस नहीं आना पड़ता। तो उसने बोला नहीं यार, इमिजिएटली बोल देता ना तो लोग सोचेंगे कि स्टूपिड है, सोच के बोलने वाला आदमी की कदर कुछ और होती है। तो अगर कोई आदमी आपको ना बोलता है कि ये करो वो करो तो आपको लगता है कि यार ये बड़ा कमाल आदमी है। कोई कहता है ये सब मत करो कुछ होने वाला नहीं है, आपको लगता है नहीं नहीं यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बात है, जैसे हम लोग जब लोकेशन शूटिंग के लिए जाते हैं ना स्विट्जरलैंड, तो ऐसा लगता है कि होटल से 2 घंटे दूर जाएंगे तो ही अच्छा लोकेशन होगा, क्योंकि यहां है ना स्विट्जरलैंड, होटल के बाहर अच्छा लोकेशन नहीं हो सकता यार, बहुत दूर जाना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। अरे लेकिन होटल इसलिए बनाई है क्योंकि लोकेशन अच्छा है, उसके नीचे ही अच्छा है यार। नहीं यार लोग कहेंगे तो होटल के बाहर शूटिंग कर लिया, तो थोड़ा बहुत ऐसा है। और कोई आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं भाई जी से? विक्रम सर से अबाउट वाई एसोसिएटेड, आई थिंक इन्होंने बता ही दिया आपको। हेलो हेलो हेलो, आई वो पेशान प्रशांत फ्रॉम एनडी टीवी। अक्सर लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए, किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए कम से कम 15 दिन या 10 दिन का टाइम चाहिए अच्छे से। और जैसे एस्ट्रोबडी की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे साइट्स भी हैं और फोन कॉल्स पे भी हैं। अक्सर लोग देखा गया है कि जब सवाल आप पूछते हैं वो जल्दी में बहुत कुछ बताते हैं, और मेरे ख्याल में 10 मिनट में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है। क्या बोलेंगे आप उसके ऊपर? मैं तो कहूंगा अपना टाइम ऑफ बर्थ दे दो अभी। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक इतना वक्त, इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर, मैं यही बोल सकता हूँ। क्योंकि आप इतनी देख चुके होते हो कि आपका सिस्टम काम, अब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अगर
तो आप बोलते हो यार ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, खाली उसने नर्व्स देखी और मेरी बीमारी बता दी। और ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिनके पास आप 25 टेस्ट लेके जाते हैं लेकिन तो भी वो नहीं कर पाते। तो इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर, मैं यही बोल सकता हूँ। ऐसा मैं नहीं मानता कि 10, कई कई बार 2 मिनट भी बहुत होते हैं। वो आसान कुंडली होती होगी फिर। आसान और मुश्किल क्या होती है, कुंडली तो कुंडली होती है। नहीं नहीं नहीं, वो जो इस तरह के ग्रह या हम सांस की हम बात कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। देखिए एक तो होता है कि इन डेप्थ में आप एक ही चीज पे ड्वेल करते जाइए उसको आप बहुत ज्यादा लंबा खींच सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना क्रिस्प और क्लियर रहेंगे उतना हम डायरेक्शन सही पकड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव होने से हम कंफ्यूज ही होंगे। तो मेरा ऐसा कोशिश ही रहता है कि मैं कंफ्यूज ना करूं। ये जो ऐप है इस पे आपने और भी टीम बिठाई होगी शायद, और भी लोग होंगे। मेरी पूरी टीम है जिनको ट्रेन करता हूं। तो वो जितने भी लोग हैं कि आपकी तरह सारे के सारे उतने परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं? परफेक्ट तो मैं तो अपने आप को भी नहीं मानता, तो ह्यूमन है, एरर हो सकता है। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूं, कोशिश ये रहती है कि उनको इस तरह से ट्रेन करूं और जहां उनको दिक्कत आती है आई इंटरव्यू माय सेल्फ, मैं खुद भी मॉनिटर करता हूं। तो जहां मुझे लगता है मैं ट्वीक कर देता हूं, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता हूं। आप मेरा रूम आके कभी देखिए तो आपको समझ में आएगा। आता हूं। Thank you. I hope that happens. He's a very nice, politically correct guy, but I am not. So I want everybody else to shut down and only Astrobuddy to do well, because I'm human. But like he said, I think it's also a personal choice. I think who you're comfortable with. Because astrology is like, you know, you are opening up to your life to somebody. And you have to be comfortable with the person that you're opening your life to. You know, it's like when I went to Los Angeles and I went to a past life regression specialist. And he said, you know, you can never do a past life regression with someone you know. And I said, why? He says, because the human mind, the subconscious is so powerful that it will not open up in front of someone it knows. Because it has got so many secrets from itself. So you need what I call an intimate stranger. Yeah. And an astrologer is an intimate stranger. You need an intimate stranger to talk to. Thank you. Vikram, आपके साथ personal life में ऐसा कभी हुआ है कि आप astrologer के पास गए हो, आपने उनको, उन्होंने आपको कुछ suggest किया हो और वो नहीं सही साबित हुआ? जिंदगी भर ऐसा ही हुआ है। तो मतलब मानते हैं एस्ट्रोलॉजर जो सलाह देते हैं वो सही नहीं है? नहीं, सी व्हाट आई फील इज दैट, जैसे भूपेश जी ने कहा ना कि व्हेन इट इज इंडिकेटिव, सो ही सेज कि यार मुझे हिट या फ्लॉप का पता नहीं है, मुझे पता है तेरा टाइम अच्छा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, अगर फ्लॉप होगा तो भी अच्छे के लिए होगा, अगर हिट होगा तो भी अच्छे के लिए होगा। दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, यू नो, वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, हम लोग नहीं होता, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो, वी हैव अ वेरी नैरो परसेप्शन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, बट अ लॉट ऑफ फेलियर्स आल्सो समटाइम्स मेक अ सक्सेस, एंड अ लॉट ऑफ फेलियर्स टुगेदर आर एक्चुअली गाइडिंग यू टुवर्ड्स दैट सक्सेस। सो बट आई हैव नोन पीपल, कोई बोलता है आपका कुछ केमुंद्रम योग है, तो मैंने बोला क्या करना चाहिए यार केमुंद्रम योग का, तो बोलता केमुंद्रम योग मतलब आपके आगे के हाउस और पीछे के हाउस में कुछ नहीं है, तो मैंने चंद्रमा के आगे और पीछे, तो मैं बोला मैं कहां से लेके आऊं यार, अगर नहीं है तो नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं कि चंद्रमा के आगे कुछ, तो बोला नहीं तो आपको ये करना चाहिए। तो फिर किसी और के पास गया, तो उसने बोला अगर आपके पास केमुंद्रम योग है तो आप विक्रम भट्ट नहीं होते, तो मैंने बोला है कि नहीं यार ये बताओ, यू नो, कोई बोलता है आपका वो है क्या काल सर्प योग है ना,
कोई बोलता नहीं नहीं एक प्लैनेट बाहर चला गया ना तो काल सर्प योग नहीं है, तो कोई बोलता है पार्शल है। एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में उसका कोई लेना देना नहीं है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड गिव यू द राइट डायरेक्शन। तो मुझे क्या लगता है, इट्स लाइक जैसे हमारा आज हॉस्पिटल से भी भरोसा जा रहा है, हम लोग कहते हैं यार वो हॉस्पिटल में ना ऐसा होता है, ये हॉस्पिटल में ना वैसा होता है, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, लेकिन अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो आपको लगता है कि नहीं यार इसको पेटर्नाइज करना चाहिए। सो आई फील दैट हियर इज अ पर्सन हु इज यूजिंग द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी करेक्टली, ही इज नॉट मेकिंग यू डू एनी रबिश, ही इज नॉट मेकिंग यू वेयर एनी रबिश, ही इज ब्रेकिंग ऑल द मिथ्स। So this kind of a person, this kind of an app should be propagated because people need hope. There is nothing difference, no difference between somebody like me who sells hope through films and somebody like him who wants to give hope through a science. Only that I sell dreams, Israel sells reality. So I feel that people need hope, but people need right guidance. You must guide them properly. You must not want to steal from them. You must not want to make money from them. And if by lending my name, whatever good it does to this application, to this, I would say, this business venture, I will be happy. See, Vikram ko sab log ek bahut achha film director ya producer ke taur pe jante hain, lekin बहुत लोगों को शायद नहीं पता ही इज अ वेरी गुड राइटर, और इनकी राइटिंग्स में स्पिरिचुअलिटी बहुत झलकती है और थॉट्स की प्योरिटी बहुत आती है। तो मुझे भी जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ तो काफ़ी हमारी मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छी मैच करती है। तो इन्होंने जितना अच्छी तरह मुझे समझा या मेरे कंसेप्ट को समझा कोई और समझ नहीं पाया था, तो ऐसे ही फिर डिस्कशन हुआ और फिर इवेंचुअली ही एग्रीड टू बिकम द रैंडम इन्वेस्टर। Okay, we'll take the last question now. Yeah? Thank you. Hi sir, मैं अभी just enter किया। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि भविष्य, जब आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो अक्सर अंधविश्वास भी जुड़ जाते हैं, सो उन लोगों से या इन बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे जब इस तरीके से लोग कहते हैं अरे भाई ये तो ढकोसला है, अंधविश्वास है। देखिए, मैं अंधविश्वास है, ढकोसला है, मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता। मैं ये कहूंगा कि विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, लॉजिकल होके करिए। अगर कोई आपसे बोलता है कि आप बहुत बुरे दौर से हो लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला दो आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा, तो वहां लॉजिक अप्लाई कीजिए। यार ये कौन सा लॉजिक है मुझे समझाओ कि जिसने नेचर ने, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया है, उसके पास इतना खाली टाइम है कि एक प्लैनेट, बाल बराबर प्लैनेट पे एक इंसान को परेशान करेगा और जब वो कुत्ते को रोटी खिला देगा तो ठीक कर देगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना। तो आप खुद सोच के देखिए, तो अब वो अंधविश्वास है या एक्सप्लॉयटेशन है, क्या है, ये तो जो बताते हैं वो जाने। एस्ट्रोलॉजी ऐसा कोई चीज नहीं बताती, क्योंकि हम शुरू से मानते हैं एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। तो शायद हमारे कई सौ सालों से, हजारों सालों से ये एक एस्केपिज्म चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में, तो हम लोग ब्लाइंडली इन चीजों में पढ़ रहे हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडियल अप्रोच कभी होती ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली इंडिकेटिव, इवेंचुअली हर चीज आपको ही करनी है और कुछ नहीं। Can you repeat the question, please? Is there anything bizarre that you've done when, supposing an astrologist told you to do something, you've gone to an astrologer and asked you to do something? Is there anything bizarre that you would like to
You're saying, is there anything bizarre? Actually, I've kept everything bizarre for my films. I barely do anything bizarre in real life. But it was because of one of these things that I totally went away from temples. Because I remember somebody had told me that you should go every Saturday and you should put oil and udat on Shani Maharaj. So I went to this temple close by where there was this Navgraha, and I used to, every Saturday, I used to put this oil and udat. So on one Saturday, I just touched the Navgraha like this. So the pandit next to me said, "Haath nahi lagane ka." I said, "Lekin tu to lagata hai." He said, "Main pandit hoon." I said, "Main bhi hoon." He said, "Mere paas janam hai." I said, "Mere paas bhi hai. Main bhi bhat hoon." He said, "Nahin, tum nahin kar sakta hai." So I went out of the temple and I said, if this is God, why do I need this guy to tell me? It's like asking, if God is my parent, tameva mata chapita tameva, if God is my father, if God is my mother, why do I need this priest to tell me whether I can touch my God or not? It's like asking your building ka watchman ke meri maa se baat karun kya? Doesn't make sense to me. Yeah. From that day to this day, I've not gone to a temple. Because I believe that I have a relationship with my God which is straight and not through anything else but that. Which again brings me to why I'm on board with this. Because this is as straight as it gets. I always say it in a different way. I am a very God-fearing person and I believe in God. But why do I need a religion to believe in that? So same, I just after you see the same. So I think, sir, thank you so much for being here and sharing your views with the media and all of us. Thank you, all of you, for your time here also today. And there are some refreshments outside. We'll request you to please join us outside for these things. कहाँ जाएंगे? झंडा नीचे कर फ्लैश ये कहाँ जाएंगे आप? नाल में नीचे एक पंडित मिलेगा लाइट मत जलाया बोलू अरे बोलू बोलू।